मैं कभी एडी सोहनी कुड़ी ते ऐसे स्टाइल नाल वेखी कभी नहीं सी। अच्छा मैं मांगना तो क्या खाना पीना भूल गया ऐसा इश्क च अखां नहीं हो गई। दो रक्षे थे और आधा आधा तोले की वाली थी मेरे कान में जो। अच्छा वो भी गई। हाँ जी चैन था। मैं डेली उसको 15,000 16,000 15,000 मैं मेहनत इतनी करने लग गया भी मैं खुद नहीं समझ आता था। पता नहीं उसके नसीब लगी थे। पीछे भजिया यार नहीं लभदे दुख वेले उधार नहीं लभदे कसूरी छड़ सब झगड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िरे खिदमत है। हम चाहते हैं कि ऐसी स्टोरीज़ आपको दिखाएं कि जो लोग देखें और उससे सबक हासिल करें। आज एक ही ऐसा फ़कीर हमने पकड़ा है कि जो इश्क की खातर गाड़ी और सोना गिनवा बैठा है और वो लड़की के इश्क में ये इस कदर पागल हो गया हुआ था। वैसे ये सारा दिन दाता दरबार के इर्द गिर्द भीख मांगता है और गुजारा करता है और अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, लेकिन इश्क में इसको इतनी बड़ी नाकामी हुई है कि सारा कुछ इसने अपना गाड़ी सोना सब कुछ उसकी खातिर कुर्बान कर दिया है। तो वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या नाम है? मेरा नाम अदनान है, प्यार से मुझे जानी बोलते हैं। लो जी अदनान साहब साढ़े नाल है तो प्यार ना जानी कहते। अच्छा अदनान साहब, लड़की के इश्क में इस कदर पागल हो गए, बताएं जरा स्टोरी कैसे हुआ। मैं पेंडू बंदा ना देहाती, ते मैं कभी एडी सोहनी कुड़ी ते ऐसे स्टाइल नाल वेखी कभी नहीं सी। अच्छा ते वो जो तो पहली दफा मेरे सामने आई ना, मैं मांगना तो क्या खाना पीना भूल गया सारा। ऐसा इश्क च अखां नहीं हो गई। अच्छा सारा दिन मैं जो कोई काम नहीं किया, ठीक है, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। ओके वो हंसी रही, उसको पता लग गया अभी ये मेरे जाल में फंस गया। मुझे नहीं पता इधर इश्क हुआ था। नहीं एमयू कॉलेज। अच्छा वहाँ आप भीख मांग रहे थे उस वक्त? नहीं हाँ। मैं पार्क में जाके नया नया घर से आया था। हाँ। पार्क में जाके बैठा करता था यार, इधर बड़ी सोनी सोनी दुनिया है, ठीक है, बस दुनिया देखता था बस। शाम को रात को 7-8 बजे वापस आ जाता। तो कितने दिन आपका इश्क चला जी? मेरा इश्क चला जी कोई तकरीबन 1.5-2 साल। अच्छा 1.5-2 साल चला। हाँ जी। तो अब वो कहाँ गई है? अब उसने इतनी फ्रॉडन है मेरे सुनने में आया पे 2 शादी की हुई है। अच्छा एक माँ प्यो के कहने पे, एक उसने बाहर भी, ठीक है। तुम्हारे साथ शादी नहीं की उसने, सिर्फ पैसे खाए हैं। हाँ। कितने पैसे खाए हैं? कितनी गाड़ी खाई है और क्या सोना खाया? मेरे 2 रक्षे थे। ओए 2 रक्षे? और 2 रक्षे थे और आधा आधा तोले की वाली थी मेरे कान में जो। अच्छा वो भी गई? हाँ जी चैन था। ओए हो 2 रक्षे चैन सोने की और एक वाली। और पैसे कितने खाए? पैसे कोई उसने मुझे 2.5 करोड़ रुपये का। 2.5 करोड़ रुपये का चूना लगाया? हाँ जी। कोई आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैं डेली उसको 15,000 16,000 15,000 मैं मेहनत इतनी करने लग गया भी मैं खुद नहीं समझ आता था। पता नहीं उसके नसीब लगी थे वे, मुझे लोग इतने क्यों दे देते थे पैसे। आप भीख ही मांगते थे इसी तरह? हाँ। अभी एक चक्कर लगाते हो कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? अभी तो 300-400 बस। पहले कितने होते थे? पहले एक चक्कर इधर से निकल के जाता था, इधर से निकल के जाता था, मैं वापस दोबारा इधर आ जाता था ना, तो मेरे पास होता था 7,000 8,000, मांगना भी नहीं किसी से। जब उससे इश्क हो गया फिर? जब उससे इश्क हो गया तो फिर तो उसने जो अपने दिल की लॉरमेंट की वो मैंने उसकी पूरी की। जो जो उसने डिमांड की आपने पूरी की? हाँ जी। मैंने छोटा मोबाइल रखा हुआ है 1,000 रुपये वाला, उसको मैंने 35,000 का मोबाइल लेके दिया। वाह वाह। और अब कभी रब्ता भी नहीं हुआ? रब्ता सब मैं उसको देखने के लिए तरस रहा हूँ, इतना खाया पिया है उसने। ले जी देखने के लिए उसको तरस रहा है ये, लेकिन इसका मतलब अभी प्यार का जुनून आपसे ख़त्म नहीं हुआ? नहीं सर है? मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। पैसे भी खा गई सोना भी खा गई, कोई बात नहीं, वो तो ऊपर जाके तो साथ उसके इश्क में कोई शेर वगैरह को गाना खाना सुना दे सब नाज़रीन को।
शेर सुना रहे हो? सुनाओ जी, सुनाओ जल्दी जरा। पिछे भजया यार नी लभदे, दुख वेले उधार नी लभदे, कसूरी छड़ सब झगड़े जेड़े, अजकल सच्चे यार नी लभदे। हाय 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 हाय, ते ओदी खातर नशा भी करन लग पे केड़ा? मेरी वे भाई ओ इश्क दे विच नशा करन लग गया भाई, जागो फिर। तू एडा सोना तो मोबाइल भी रखे वे ले हैं। हेलो जी, इतना प्यारा इसने मोबाइल भी रखा हुआ, उसके इश्क में है, इसमें उसकी फोटो है, राज यही है। ले जी, इस मोबाइल चो दी फोटो जे राज यही है। लेकिन कहने का मकसद है, इसने अपनी बीती बताई है हमें कि इश्क ने इसको कंगाल कर दिया हुआ है, नहीं तो ये बंदा बड़े काम का था। ऐसा ही है जी, अब ये नशे पे लग चुका है और अभी तक है। अच्छा, आपकी वालदा, आप भी तो रोते हो ना? मेरी वालदा इतना रोती है अभी, मेरे पुत्र को क्या हो गया, ये तो महीने का मुझे कभी 60,000 कभी 70,000 भेजता था। ले जी, ये देख लें, आपके सामने हैं, और लाखों रुपया ये महीना कमाता था, और सारे पैसे जितने कमाता था अपनी दिलरुबा को खिलाता था, और आज ये है इसकी हालत कि वो भाग गई है, वो चले गई, और उसने दो शादियां कर लिया। ये बेचारा उसका मुंह देख रहा है, उसकी राह ताक रहा है, आज भी कि वो वापस आ जाए। लेकिन मेरा मैसेज ये है, कितना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आपका घर बार ही बर्बाद हो जाए, आपकी चीज़ें सारी कुछ वो ले जाए, लेकिन इश्क करें, लेकिन कोई नस्ली बंदे से करें, अदर ना करें। जिस तरह इसकी हालत तो यह तरस आ रहा है, लेकिन आज भी उसको याद कर रहा है अपने। मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।